हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या हमें लोअर रैंक आईटीज को चूज करना चाहिए या फिर हमें टॉप के एनआईटीज को चूज करना चाहिए। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग इन दोनों इंस्टीट्यूट के प्लस एंड माइनस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टैग। आपको पता है कि आईआईटीज का टैग सबसे अच्छा है। अगर आप कहोगे कि एनआईटीज का टैग और आईआईटीज का टैग में कौन सबसे बेटर है, तो डेफिनेटली आईआईटी का टैग सबसे बेटर है। ये चीज आपको पता भी है। और साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने आईआईटी से एमएससी कर रखा है तो किसी किसी जगह में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, तब इस चीज का आप ध्यान रखना। साथ साथ में अगर आप हमारे सोसाइटी का बात करो तो अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हो या फिर आप आईआईटी से कुछ भी कर रहे हो तब आपका कद काफी ऊंचा हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। राइट, टैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए है तब आपको डेफिनेटली लोअर रैंक आईआईटीज को चूज करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार, लोअर रैंक आईआईटीज का मतलब क्या, वो आईआईटीज जो अभी नया नया स्टार्ट हुए हैं, न्यूअर आईआईटी आप उसे कह सकते हो। तो जो भी न्यूअर आईआईटीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एनआईटीज हैं हमारे, जो कि काफी पुराने एनआईटीज हैं जो टॉप में हैं। अगर आप बात करो एनआईटी ट्रिची का या फिर एनआईटी राउरकेला का या फिर एनआईटी वारंगल का, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे आप उनका लाइब्रेरी को ही देख लो, चाहे आप अगर लैब में जाओगे तो लैब को देख लेना, काफी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं वहां पर। राइट, आपको लैब, क्लासरूम, आप लाइब्रेरी कह लो या फिर जो रिसर्च के इक्विपमेंट्स होंगे वहां पर, जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो इस बात का आपको फायदा मिलेगा अगर आप टॉप एनआईटीज में जाओगे। राइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फैकल्टी मेंबर का, देखो यार जो भी न्यूअर आईआईटीज हैं यानी कि लोअर रैंक आईआईटीज हैं उन्हें उनके पास में उतने एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, रिसेंटली उन्होंने हायरिंग भी स्टार्ट करा है, तो इसीलिए कुछ कुछ प्रोफेसर होंगे जो काफी एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली प्रोफेसर उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप टॉप एनआईटीज में जाते हो तब आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाएंगे, फैकल्टी मेंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूं, अगर आपने लिनियर एलजेब्रा या फिर रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस में अगर रिसर्च करना है आपको, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे। राइट, अगर आपको फंक्शनल एनालिसिस में सपोज रिसर्च करना है तो वहां पर आपको प्रोफेसर मिल जाएंगे जो ऑलरेडी फंक्शनल एनालिसिस में रिसर्च कर चुके हैं या फिर रिसर्च करा रहे हैं, तो इस बात का आपको फायदा मिल सकता है अगर आप टॉप एनआईटीज को चूज करते हो लोअर रैंक आईआईटीज के बदले। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेसमेंट, इस बात को आप ध्यान देना यार, काफी सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है, मैं लोअर रैंक एनआईटीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टॉप फोर एनआईटीज के बारे में। राइट, ध्यान रखना, और जब मैं लोअर रैंक आईआईटीज बोलूं यानी कि जो न्यूअर आईआईटीज हैं, आईआईटी भिलाई, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी मंडी, इस आईआईटीज का मैं बात कर रहा हूं। देखो प्लेसमेंट के मामले में अगर आप मुझसे पूछो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एनआईटीज में बेटर प्लेसमेंट आ रहे हैं टॉप एनआईटीज में लोअर रैंक आईआईटीज के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यार देखो, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, कंपनीज कौन सा एनआईटीज या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट प्रीफर करेंगी यार, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनमें वो काफी बार जा चुके हैं, उन्हें वहां से स्टूडेंट को पिक कर चुके हैं, वो हमेशा वही सारे इंस्टीट्यूट को प्रीफर करेंगे, तो मोस्टली ज्यादा चांसेस है यार कि वो टॉप के एनआईटीज में ही प्लेसमेंट के लिए जाएं। और अगर आईआईटीज में लोअर रैंक आईआईटीज में प्लेसमेंट के लिए जा भी रहे हैं, उतना ज्यादा चांसेस नहीं है कि वहां से वो काफी सारे बंदे को पिक कर ले। राइट, इस बात का ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा डीप बातें हैं यार, ये आपको उतना आसानी से कोई नहीं बताएगा। राइट, इस बात को आपको रखना है कि भले ही आप आईआईटी में चले गए हो, लेकिन यार जो कंपनीज हैं उनके माइंड में एक बात डेफिनेटली रहेगा कि ये एस्टैब्लिश्ड आईआईटीज नहीं है, और वो उनको ये चीज पता है यार कि लोअर रैंक आईआईटीज काफी जल्दी मिल जाती है, भले ही टॉप रैंक एनआईटीज ना मिले। राइट, ये बात कंपनीज को पता रहती है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें फीस का, देखिए यार फीस में उतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा, फीस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70,000 पर सेमेस्टर,
दोनों जगह पे 70 या फिर 60 कर सकते हो, राइट 60 टू 70 के बीच में वेरी करेगा दोनों जगह, चाहे आप टॉप एनआईटीज का बात करो या फिर टॉप आईटीज का बात करो। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि एनआईटीज का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है यार आईटीज के कंपैरिजन में, तो इस बात को आप कंसिडर कर लेना और आप दोनों इंस्टीट्यूट्स के फीस स्ट्रक्चर्स को देख लेना कि किसका फीस ज्यादा है किसका फीस कम है, कौन सा इंस्टीट्यूट को आप अफोर्ड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, टैग। अगर आपको टैग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टैग का मतलब ये नहीं कि आपका कद ऊंचा पड़ गया सोसाइटी में, नहीं यार, किसी भी कम्युनिटी में आप जाओगे, अगर आपको प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट नहीं कहूंगा बट अगर आपको किसी कंपनीज वगैरह में भी जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, वहां पर टैग बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपने अभी आईटी से एमएससी करा, आईटी से एमएससी करने के बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो पढ़ाने के लिए और कोई एक एनआईटी का बंदा बैठा है आपके कंपटीशन में, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप ही को दिया जाएगा क्योंकि आपने आईटी से एमएससी कर रखा है, इस बात का ध्यान रखना, राइट। और बाकी सारा मैंने प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज और फीस के बारे में आपको काफी अच्छे से डिटेली बता दिया है। अब चॉइस आपका है, कॉल आपका है कि आपको क्या चूज करना है। इनमें से जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट आपको अच्छा लगा है, आपको टैग के लिए जाना है, डेफिनेटली जाओ यार, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि पढ़ेंगे हम, कोई भी टीचर्स आकर हमें काफी अच्छे से नहीं पढ़ा देगा, राइट। सारे चाहे आप टॉप के जितने भी यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेहनत खुद को करना पड़ता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। जितने भी फैकल्टीज हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, राइट। पढ़ना आपको खुद है, तो यार अगर आप खुद पढ़ सकते हो काफी अच्छे से, आपको उतना ज्यादा गाइडेंस का जरूरत नहीं है, तब आप डेफिनेटली लोअर रैंक आईटीज को चूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, टैग लेने में कोई बुराई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना यार। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या चूज करने वाले हो, लोअर रैंक आईटीज या फिर टॉप के एनआईटीज, हमें जरूर बताना है।